हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक वर्मा एंड यू आर वाचिंग विद्यास्थली वाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर सीरीज का पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट पार्ट में श्रीलंका प्लस बेल्जियम की बात कर रहे थे, जिसमें हमने सिर्फ बेल्जियम के बारे में पढ़ा था, कैसे बेल्जियम ने अपने कंट्री में अराइज हो रही प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। ठीक, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका के इथनिक कंपोजिशन की, श्रीलंका के बैकग्राउंड हिस्ट्री की, और साथ ही साथ बात करेंगे कैसे श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल किया, और हम ये भी बात करेंगे कैसे दोनों कंट्रीज की प्रॉब्लम हैंडलिंग प्रोसेस और रिजल्ट में कितना डिफरेंस है। तो आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में पूछा जाएगा आपसे एक सवाल और सही जवाब देने वाले पर्सन का नाम अनाउंस होगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट अस एग्जामिन द केस ऑफ श्रीलंका, बट बिफोर एग्जामिनिंग द केस ऑफ श्रीलंका वी शुड नोन अबाउट द बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। So let us know about the background history of Sri Lanka. Sri Lanka is an island nation in Indian Ocean. Sri Lanka जो है वो एक island द्वीप वाला है, चाहो तो आपसे पानी से घिरा हुआ एक nation है, जो कहाँ पर present है, हमारे Indian Ocean में, हमारा जो हिंद महासागर है वहां पर present है श्रीलंका। और हमारे इंडिया का जो lower part में state है, कौन सा state है, तमिलनाडु है, जी हाँ तमिलनाडु, उसके south coast से बस कुछ ही दूरी पर, few kilometers away from तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु के साउथ कोस्ट से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका क्या है, प्रेजेंट है, सिचुएट करता है। ठीक, तीसरी बात ये कि श्रीलंका कंट्री की पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है, यानी अबाउट 2 करोड़ पीपल श्रीलंका में क्या करते हैं, लिव करते हैं। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा था 1 करोड़ की पॉपुलेशन है कहां पर, बेल्जियम में, लेकिन श्रीलंका में कितनी पॉपुलेशन है, अबाउट 2 करोड़ की, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, कंपेरेटिवली सेम ही समझ सकते हैं, है ना। केस स्टडी करने के लिए इन्हीं 2 कंट्रीज, छोटी कंट्रीज से एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है क्योंकि इन्हें स्टडी करना, इन्हें समझना आसान होगा एज कम्पेयर टू इंडिया की इतनी डाइवर्सिटी और इतनी बिग पॉपुलेशन के कंपेयर में। इसलिए हमारे बुक में आपको सिर्फ श्रीलंका और बेल्जियम का ही केस दिया गया है। ठीक, तो श्रीलंका और जो बेल्जियम है ये दोनों आपस में लगभग लगभग एग्जैक्टली इक्वल कंट्रीज हैं, दोनों में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और दोनों में जो पॉपुलेशन है वो लगभग लगभग क्या है, सेम ही है, बेल्जियम 1 करोड़ और श्रीलंका के 2 करोड़। तो हम बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसे इंडिपेंडेंस मिली है कब, 1948 में, जी हाँ, श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948। ठीक, तो इंडिया के बिल्कुल कंपेरेटिवली, यानी इंडिया जितना डेवलप है उतना ही डेवलप क्या होना चाहिए, श्रीलंका भी होना चाहिए, है ना। जितनी अच्छी डेमोक्रेसी इंडिया की रही है अब तक, उतनी अच्छी श्रीलंका की भी होनी चाहिए अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से तो एग्जैक्ट होता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, सारे हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, पर यहाँ पे श्रीलंका की बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको समझ में आएगी होगी कि श्रीलंका क्या एक आइलैंड नेशन है। ठीक, कहाँ सिचुएट करता है, इंडियन ओशियन में सिचुएट करता है, हमारे इंडियन स्टेट तमिलनाडु के साउथ कोस्ट से सिर्फ कुछ ही दूरी पर, यानी फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम तमिलनाडु सिचुएट करता है। ठीक है, तीसरी बात ये कि श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी है, अबाउट 2 करोड़ है, श्रीलंका की पॉपुलेशन कितनी, अबाउट 2 करोड़ है। हम जो जो फैक्ट आपको बताया जा रहे हैं आपको बेल्जियम से कंपेयर करते चलना है, है ना, उसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज थी नीदरलैंड फ्रांस जर्मनी लग्जमबर्ग थी, इसकी नेबरिंग कंट्रीज क्या है, इंडिया है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, वो वेस्टर्न यूरोप में सिचुएट करता था, ये इंडियन ओशियन में सिचुएट करता है। ठीक, वहां की पॉपुलेशन 1 करोड़ थी, यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है। ठीक, उसमें इंडिपेंडेंस जो मिली 1950s में मिली है और यहाँ जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 1948 में मिली, यानी लगभग दोनों एक ही समय पे क्या हुआ है, इंडिपेंडेंट हुए। तो ये है बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका। अब इसके बाद हम एग्जामिन करेंगे कि जो इथनिक और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है श्रीलंका की, यानी किस प्रकार की भाषा बोलने वाले, यानी कि लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, इथनिक कंपोजिशन मतलब किस तरह का कल्चर फॉलो करने वाले लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां के सोशल डाइवर्सिटी, वहां के इथनिक और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की बात हम करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं इथनिक एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो चलिए हम बात करते हैं श्रीलंका के इथनिक और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन की। इथनिक का मतलब कल्चर हम जानते हैं, और लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड शब्द को कहा जाता है क्या, लिंग्विस्टिक, यानी कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले श्रीलंका में रहते हैं। तो ये सारा चीजें हम डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जो श्रीलंका है वो एक ऐसी कंट्री है जो आइलैंड नेशन है, पॉपुलेशन कितनी है, 2 करोड़ की, हम जानते हैं हमारी नेबरिंग कंट्री रही है, हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल था तो श्रीलंका के ऊपर भी ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो जो श्रीलंका की पॉपुलेशन है वो मेनली 3 भागों में बटी है, यानी 74% लोग जो है श्रीलंका के वो कौन सी भाषा बोलते हैं, सिन्हाला, सिन्हाला लैंग्वेज है, याद रखिए। ठीक,
तो 74% लोग जो श्रीलंका में है वो कौन सी भाषा बोलते हैं? सिन्हाला। 74% पीपल ऑफ श्रीलंका स्पीक सिन्हाला लैंग्वेज, वाइल 18% पीपल ऑफ श्रीलंका स्पीक तमिल लैंग्वेज। जो 74% लोग हैं कौन सी भाषा बोलते हैं? सिन्हाला भाषा बोलते हैं। ठीक, जो 18% तमिल हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। 18% पीपल तमिल लैंग्वेज, 74% सिन्हाला लैंग्वेज, और 7% जो है बचे हुए वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सिन्हाला और तमिल दोनों बोलते हैं ना, सिन्हाला और तमिल बोलने वाले कुछ कुछ होंगे। अब आपका सवाल होगा कि ये तो 100% हुआ ही, 99% ही हुआ, तो 1% वो लोग हैं जो बाहर से कंट्रीज में आके बसे या कंट्री छोड़ गए हैं। 1% लोग वो हैं जो परमानेंट नहीं रहने वाले श्रीलंका के ना, परमानेंट श्रीलंका में रहते नहीं है, उन्होंने देश की सिटीजनशिप छोड़ दी है, वो लोग है 1%। तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। टोटल 74% सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले, 18% तमिल लैंग्वेज बोलने वाले, 7% ऐसे लोग हैं जो सिन्हाला और तमिल दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक, तो जो 74% सिन्हाला लैंग्वेज बोलते हैं उनका रिलीजन क्या है? अब हम इतनी की बात कर रहे हैं तो उनका रिलीजन है बुद्धिस्ट। तो मैक्सिमम पीपल, मेजोरिटी रिलीजन जो है वो क्या होगा श्रीलंका में? बुद्धिस्ट होगा। 74% लोग जो सिन्हाला बोलते हैं उनमें से मैक्सिमम का धर्म क्या है? बुद्धिस्ट ही है। ठीक, 18% जो तमिल है उनका धर्म क्या है? या तो वो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। तो 18% जो तमिल लोग है वो या तो हिंदू है या फिर वो क्या है? मुस्लिम है। ठीक, और जो 7% सिन्हाला या तमिल बोलने वाले लैंग्वेज है उनका धर्म क्या है? क्रिश्चियन है। जो 7% सिन्हाला तमिल बोलते हैं यानी दोनों बोलते हैं, तो वो लोग कौन सी धर्म वाले हैं? क्रिश्चियंस यानी ईसाई धर्म वाले हैं। अरे, जो 18% तमिल है उन तमिल्स में भी दो पार्ट है यानी दो कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी एक श्रीलंका के तमिल और एक इंडियन तमिल। ये 18% जो तमिल भाषा बोलते हैं श्रीलंका में, उसमें से जो श्रीलंका के तमिल है वो है 13% और जो इंडियन तमिल है वो 5%। ये इंडियन तमिल कैसे? तो हुआ क्या था, जब इंडिपेंडेंट नहीं मिली थी यानी 1948 के पहले जो कॉलोनियल रूल था, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो क्या करती थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट पीपल को यहाँ से स्लेव बना के, गुलाम बना के लेकर जाती थी और वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पे काम कराती थी। प्लांटेशन वर्कर्स मतलब, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, प्लांटेशन वर्कर क्या होता है? वो वर्कर जिसे उस एरिया के अंदर ही रहना होता है और वहीं काम करना पड़ता है। 1859 इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, नेशनलिज्म इन इंडिया, थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का, जिसमें बताया गया है डिटेल में। ठीक, तो वो लोग प्लांटेशन में काम करने गए, वहीं पर काम किए, वहीं घर बना लिए और वहीं रहने लग गए, तो वहीं के सिटीजन हो गए तब से ही। ठीक, तो ये 13% जो श्रीलंकन तमिल है इनको नेटिव तमिल भी बोलते हैं। नेटिव मतलब लोकल, यानी वहाँ के मूल निवासी है ना, परमानेंट लोग वहीं के, ओरिजिनल लोग। और ये इंडियन तमिल जो है तो माइग्रेटेड है ना, माइग्रेट होकर आए हैं, इंडिया से गए हैं कहाँ पर? श्रीलंका में गए हैं। तो इनकी पॉपुलेशन कितनी है? 5%। वहाँ के लोकल नेटिव तमिल की पॉपुलेशन कितनी है? 13%। और इंडियन तमिल की पॉपुलेशन कितनी है? 5%। टोटल तमिल बोलने वाले की पॉपुलेशन कितनी है? 18%। ठीक, तो सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग हैं, कौन सा धर्म है उनका? बुद्धिस्ट है। तमिल बोलने वाले 18% लोग हैं, कौन सा धर्म है? या तो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम है। और ये तमिल जो 18%, दो तरह के तमिल है वहां पर। एक है जो श्रीलंका तमिल, कितना परसेंट है वो? 13%। दूसरा है इंडियन तमिल, कितना है वो? 5%। और ये इन लोगों का जो धर्म है वो क्या है? या तो हिंदू है या फिर मुस्लिम है। 7% लोग ऐसे भी हैं श्रीलंका में जो या तो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, तमिल मतलब एक जैसे एक साथ बोलते हैं मिला के ना, यानी उनके दोनों लैंग्वेज है। ये जो है 74% सिर्फ सिन्हाला बोलते हैं, 18% सिर्फ तमिल बोलते हैं, और 7% ऐसे लोग भी हैं जो सिन्हाला और तमिल दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, तो 7% है। और उनका धर्म क्या है? मेजोरिटी रीजन उनका क्या है? क्रिश्चियंस है। अधिकतर लोग जो है वहां पर क्या है? क्रिश्चियंस है। तो आपको इस पूरे केस को एग्जामाइन करने के बाद दो बातें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहला बात ये क्लियर हुआ कि मेजोरिटी जो लैंग्वेज बोलने वाले हैं ना, मेजोरिटी लिंग्विस्टिक कौन सा है? सिन्हाला। सिन्हाला लैंग्वेज क्या है? मैक्सिमम लोग मेजोरिटी में सिन्हाला बोलते हैं, तो मेजोरिटी लैंग्वेज क्या है वहां पे? सिन्हाला। दूसरी बात, जो मेजोरिटी रिलीजियन है क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट में से 74% वही बुद्धिस्ट लोग हैं, तो मेजोरिटी रिलीजन भी क्या है? बुद्धिस्ट है। तो मेजोरिटी लैंग्वेज सिन्हाला, मेजोरिटी रिलीजन बुद्धिस्ट। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी कभी वन वर्ड में वन मार्क्स के लिए पूछ देता है आपको कि मेजोरिटी लैंग्वेज क्या थी श्रीलंका में, तो सिन्हाला। मेजोरिटी रिलीजन कौन सी थी? तो बुद्धिस्ट। आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने पढ़ा इथनिक और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इससे अराइज नहीं हुई कि मेजोरिटी रिलीजन है, मेजोरिटी लैंग्वेज है। प्रॉब्लम क्यों अराइज हुई, कैसे अराइज हुई, इन सारी बातों को हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में और डिटेल में। प्रॉब्लम श्रीलंका में अराइज तब हुई जब वहां की गवर्नमेंट ने
लोगों के लिए वर्क करना शुरू किया। उन्होंने खास कम्युनिटी के पीपल को डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने खास कम्युनिटी के लोगों के लिए ही सारे वर्क किए, सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए, सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फायदा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही पहुंचाया, जिससे दूसरी कम्युनिटी नाराज होगी और श्रीलंका में क्या होगा, प्रॉब्लम्स अराइज होगी, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगी। तो चलिए हम देखते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका पढ़ने से पहले इस टर्म को, मेजोरिटेरियनिज्म टर्म को हम पहले अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो क्या होता है मेजोरिटेरियनिज्म, तो ध्यान से सुनिए, मेजोरिटेरियनिज्म एक सोच है, एक कॉन्सेप्ट है। ये सोच वाले लोग क्या सोचते हैं, इनका मानना क्या है कि जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी होगी, देखिए ध्यान से सुनिए फिर से, कि मेजोरिटेरियनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, एक सोच है, और इस तरह की सोच रखने वाले लोगों का क्या मानना है, ये लोगों का मानना है कि जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कंट्री में जिस भी तरीके से चाहे, इन वॉट एवर वे दे वॉन्ट दे मे रूल द कंट्री, यानी वो देश में जिस भी तरीके से चाहे उस तरीके से अपने मनमानी तरीके से रूल कर सकते हैं। और कैसे रूल करेंगे, मनमानी तरीके से, और वो भी माइनॉरिटी के विशेष को इग्नोर करके, उनकी राइट्स को इग्नोर करके, यानी मेजोरिटी लोग जैसे चाहे मनमाने ढंग से रूल कर लेंगे और बिना माइनॉरिटी की बातों को सुने, उनकी राइट्स को दिए बिना, उनकी राइट्स को दिए उनको इग्नोर कर दिया जाएगा पूरी तरह से माइनॉरिटी को। तो इस तरह की सोच रखने वाले को, इस तरह की बिलीफ रखने वाले को क्या कहते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। चलिए हम फिर से दिखाते हैं आपको, इट इज अ कॉन्सेप्ट, मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, कॉन्सेप्ट है विच बिलीव्स, जो मान्यता है, जो सोचता है, जो मानता है कि द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री, कि मेजोरिटी कम्युनिटी को रूल करना चाहिए कंट्री पे, यानी देश पे किसका राज चलना चाहिए, मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल चलना चाहिए। ऐसा कौन मानता है, मेजोरिटेरियनिज्म वाले सोच रखने वाले लोग मानते हैं कि मेजोरिटी कम्युनिटी का ही रूल चलना चाहिए देश पे, और द कंट्री इन वॉट एवर वे इट वॉन्ट्स, और वो जिस तरीके से रूल चलाना चाहे, वैसे गलत तरीके से रूल चलाना चाहे, अत्याचार करे, एक्सप्लोटेशन करे, वो भी चलेगा, है ना, जैसे चाहे वैसे रूल करे मेजोरिटी कम्युनिटी पे, ठीक। और कैसे, बाय इग्नोरिंग राइट्स एंड विशेस ऑफ माइनॉरिटी, और माइनॉरिटीज के राइट्स को, उनके अधिकारों को, उनकी इच्छाओं को पूरी तरह से इग्नोर, नजरअंदाज करके, हटा के, है ना, यानी एक तरह से मनमानी रूल हो गया, बिल्कुल जैसे स्लेवरी चलती थी, या फिर जो गुलाम बना के रखते थे हमारे कंट्री में, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट आती थी, है ना, वो लोग आते थे और अपने तरीके से जैसा चाहते थे वैसा रूल करते थे, बस फर्क ये था कि वो माइनॉरिटी हुआ करते थे, ठीक। तो इसी तरह से मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट वर्क करता है। क्या है मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट, 2 मार्क्स के लिए कभी कभी एग्जाम में पूछता है, 2 नहीं 3 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए पूछ देता है, ठीक, या 5 मार्क्स के क्वेश्चन आए तो उसमें भी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ देगा और 3 मार्क्स के लिए आपको एक्सप्लेन करने बोलता है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो मेजोरिटेरियनिज्म क्या है, एक कॉन्सेप्ट है जो क्या मानता है, विच बिलीव्स दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री इन वॉट एवर वे दे वॉन्ट्स, है ना, मेजोरिटी कम्युनिटी को ही कंट्री पे रूल करना चाहिए और जैसे चाहे वैसे तरीके से रूल करना चाहिए, और तो और माइनॉरिटी की राइट्स को, माइनॉरिटी के विशेष को पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए, यानी माइनॉरिटी का कोई चांस ही नहीं है, कोई वॉइस ही नहीं है इसमें कंट्री को रूल करने में, उनका होना ना होना एक बराबर है। तो ऐसा मान्यता है किसका, मेजोरिटेरियनिज्म इस कॉन्सेप्ट का। तो चलिए मेजोरिटेरियनिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम बात करें कैसे इस कॉन्सेप्ट को श्रीलंका के लीडर्स ने अपने कंट्री में इम्पोज किया। तो चलिए हम पढ़ते हैं मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। जैसा कि हमने पढ़ा कि 1948 में श्रीलंकन कंट्री जो है वो क्या हुई है, इंडिपेंडेंट हुई है, यानी कि 1948 के बाद वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ होगा और न्यूली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोसेस चली, ये हुआ क्या, सिन्हाला के जो लीडर्स थे 1948 में डेमोक्रेसी के थ्रू इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में लीडर्स चुन लिए गए, मैक्सिमम लोग सिन्हाला के थे, तो उसमें मेजॉरिटी लोग जो जीतने वाले होंगे वो भी कौन से होंगे, सिन्हाला लोग, यानी ज्यादा से ज्यादा लीडर जो थे गवर्नमेंट में, ज्यादा मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, देखिए सारे मिनिस्टर्स तक मैक्सिमम लोग कौन रहे होंगे, सिन्हाला ही रहे होंगे, और सिन्हाला है तो उनकी जो रिलीजन रही होगी वो क्या रिलीजन रही होगी, बुद्धिज्म, जी हमने पढ़ा, क्योंकि 74% लोग क्या है, सिन्हाला बोलते हैं, और कौन से रिलीजन वाले हैं, बुद्धिज्म रिलीजन वाले हैं, ठीक। तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसमें मैक्सिमम लोग क्या है, सिन्हाला। तो सिन्हाला लीडर जो एक बार जीत गए, एक बार वो चुनाव जीतने के बाद उनके मन में क्या आया कि हम 74% लोग सिन्हाला है पूरे देश में,
और अगर हम इन 74% के लिए वर्क करेंगे तो 74% बार बार हमको क्या करेंगे, वोट देंगे और हम सरकार में रहेंगे, यानी हमेशा हम जीतते जाएंगे। यानी इन्होंने सोच लिया कि हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वर्क करेंगे, सिन्हाला के लिए। यानी उन क्रिश्चियन 7% को छोड़ दो, 18% तमिल को छोड़ दो, इनका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि 7% क्रिश्चियन 18% तमिल है ना। अगर ये वोट दो भी दे तो कितने लोग बनते हैं, सिर्फ 25%, और बाकी 74% कौन है, सीधा ना। यानी 25% के लिए वर्क करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि 25% वाले क्या गवर्नमेंट बना सकते हैं, नहीं बना सकते। गवर्नमेंट को जिता सकते हैं, नहीं जिता सकते। तो एक बार जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बन गई श्रीलंका में, तो वो गवर्नमेंट के लोगों ने क्या सोचा, उन सिन्हाला लीडर्स ने क्या सोचा कि ये जो सिन्हाला लोग है 74% है, अगर हम उनके लिए काम करें, हर बार उनको फेवर करें, हर बार ऐसा रूल बनाए जो उनका फायदा कराती हो, हर बार ऐसा रूल बनाए जो उनको ही फायदा पहुंचाती हो, उनका ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती हो, तो वो लोग तो हमसे खुश हो जाएंगे। और अगर ये 75% लोग खुश हो गए और हमारी तरफ रहेंगे, तो हर बार इलेक्शन में हमको वोट देंगे और हम हर बार जीतते जाएंगे। तो इसी पॉलिसी को कहा गया क्या, मेजोरिटेरियन पॉलिसी, है ना। मेजोरिटेरियन मतलब मेजोरिटी को फेवर करना, ठीक। तो हुआ क्या, सिन्हाला लीडर्स वांटेड टू रूल कंट्री बाय मेजॉरिटी डोमिनेंस। सिन्हाला लीडर चाहते थे कि हर बार मेजॉरिटी का ही दबदबा रहे, माइनॉरिटी को दबा के रखा जाए, माइनॉरिटी को कोई ना सुने, पूरे कंट्री पे किसका रूल चले, मेजॉरिटी का ही रूल चले। अब पूरी कंट्री में मेजॉरिटी का रूल चले, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं, अभी हमने इसके पहले पढ़ा, ठीक। तो सिन्हाला लीडर्स ऐसा चाहते थे कि मेजॉरिटी का रूल चले, इसलिए क्या हुआ, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसने मेजॉरिटेरियन पॉलिसीज अपना ली। यानी उसका हर रूल ऐसा होता कि मेजॉरिटी को फेवर, माइनॉरिटी को नुकसान। जैसे हमारे कंट्री में अपोजिट होता है, एससी एसटी जो माइनॉरिटी है उनको फायदा पहुंचाओ, जो जनरल ओबीसी है उनका नुकसान करो, है ना। तो इस तरह से चीज होता है, हमारे यहाँ जितने भी लॉ बनते हैं वो सारे फायदे किसको पहुंचाते हैं, माइनॉरिटी को, जबकि श्रीलंका में उल्टा, जो सारे पॉलिसीज बनती, लॉज बनते, वो किसको फायदा पहुंचाते, मेजॉरिटी को फायदा पहुंचाते थे, ठीक। तो जैसे कि 1956 में एक्ट लाया, तो जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो जीतती गई चुनाव, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक एक्ट बनाया 1956 में, उन्होंने एक एक्ट बनाया और इस एक्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि सिन्हाला लैंग्वेज जो है कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे कंट्री में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, याद रखिए, जो हिंदी है वो नेशनल लैंग्वेज है लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। हमारे यहाँ आज भी जो ऑफिशियल वर्क होता है वो इंग्लिश, हिंदी और अदर स्टेट के रीजनल लैंग्वेजेस में होता है, तो हमारे यहाँ कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। जबकि 1956 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया और उस एक्ट से ये डिक्लेयर कर दिया कि सिन्हाला क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स आएंगे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनेंगे, है ना, उनके पार्लियामेंट में मिनिस्टर जो भी डिस्कशन होगा, कुछ भी होगा, वो सारा काम कौन सी लैंग्वेज में होगा, सिन्हाला लैंग्वेज में ही होगा, ठीक। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट फॉलोड सिन्हाला प्रेफरेंस पॉलिसीज। सिन्हाला प्रेफरेंस, प्रेफरेंस यानी महत्व, यानी गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि सबसे पहले सिन्हाला को मौका मिलेगा। जैसे अगर आप कैंडिडेट हैं, कुछ लोग मान लीजिए कुछ लोग चुनाव में खड़े होना चाहते हैं वोट देने, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो पहले किसका सिलेक्शन हो जाएगा, सिन्हाला वालों को लेंगे, बाकी जो रिलीजन वाले हैं, दूसरी भाषा बोलने वाले, तमिल हो क्रिश्चियन हो, उनको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, पहले किसको मौका मिलेगा, सिन्हाला को। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके साथ किसी कोई आप दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि आप सिन्हाला नहीं बोलते, इंग्लिश हिंदी बोलते होंगे या तमिल बोलते होंगे, और जो आप ही के साथ एक और कैंडिडेट है कि उसके मार्क्स आपसे कम है लेकिन आपके मार्क्स ज्यादा है, लेकिन आप सिन्हाला नहीं बोलते, तो किसका सिलेक्शन होगा, उस दूसरे पर्सन का जो सिन्हाला बोलता है, है ना। यानी इस तरह से प्रेफरेंस दिए जाने लगे, पॉलिसीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड यूनिवर्सिटी पोजीशन। सरकारी नौकरियों में जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है उसकी जॉब पहले लगेगी, जो सिन्हाला लैंग्वेज नहीं बोलता उसकी जॉब नहीं लगेगी, सीट खाली होगी तो मिलेगी, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगी, है ना। यूनिवर्सिटी में जो पोजीशन है प्रोफेसर की, प्रिंसिपल की, है ना, डीन की, कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है उसे डीन कहा जाता है, प्रिंसिपल नहीं कहा जाता, ठीक। तो ये जो प्रोफेसर्स होंगे, डीन होंगे, है ना, जो लेक्चरर्स होंगे या स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी में, उन सबको सबसे पहले प्रेफरेंस किससे मिलेगी, सिन्हाला को। यानी कि जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलेगा उसको पहले भर्ती कर दिया जाएगा, उसको पहले प्रेफरेंस मिलेगी और बाकी माइनॉरिटी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी ज़्यादा जल्दी जॉब किसके लगेगी, सिन्हाला की, है ना। ज़्यादा डेवलप भी कौन होगा, सिन्हाला होंगे, है ना। गवर्नमेंट को बार बार फेवर भी कौन करेगा, सिन्हाला करेगा। इलेक्शन में हर बार फिर जीतते भी कौन जाएंगे, सिन्हाला जीतते जाएंगे। यानी पूरी तरीके से कंट्री पर रूल किसका है, सिन्हाला का है, यानी कि मेजॉरिटी का है। तो इसी को तो कहते हैं मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी कहते हैं।
ठीक, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने बना दिया, इस वेजिटेरियन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हटा के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता था, बुद्धिज्म को प्रमोट करता था, यानी सेकुलरिज्म तो बिल्कुल नहीं है, क्लियर साफ सीधा सीधा बोल दिया उन्होंने कि हमारे देश में बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाना है, एक रीजन को मानेंगे कौन सा रीजन, बुद्धिज्म लैंग्वेज को ज्यादा माना जाएगा। तो यहाँ तो सेकुलरिज्म का नामो निशान तक नहीं है। ठीक, तो इस तरह से श्रीलंका की मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसीज लगाई। तो आप फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए कि वहां की जो गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से रूल करना चाहती थी, मेजोरिटी डोमिनेंस से, यानी उन्होंने सोचा सिन्हाला लीडर्स ने कि अगर हम मेजोरिटी हैं और बार बार मेजोरिटी के लिए डेवलपमेंट का वर्क करेंगे तो मेजोरिटी क्या करेगी, हमसे खुश रहेगी, हमको वोट देगी और हम इलेक्शन में क्या हम जाएंगे, जीत जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, यही काम किया, उन्होंने मेजोरिटेरियन पॉलिसी लगाई। डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट ऑफ 1956 बनाया, इस एक्ट ने सिन्हाला को क्या कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। और तो जो न्यू पॉलिसीज बनती थी वो सारी पॉलिसीज किसको फेवर करती थी, सिन्हाला को, यानी सिन्हाला गवर्नमेंट जॉब में सबसे पहले किसको जॉब मिलेगी प्रिफरेंस, सिन्हाला को। यूनिवर्सिटी में पोजिशन में प्रिफरेंस सबसे पहले मौका किसको मिलेगा, सिन्हाला को। ठीक, और तो और उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म कर दिया और ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता था, बुद्धिज्म को प्रमोट करता था, यानी वहाँ पे एक ही जो पूरे देश को बुद्धिस्ट राष्ट्र डिक्लेयर कर दिया, यानी बुद्धिज्म ही वहाँ पे रिलीजन चलेगा। तो इस तरह से मेरिटोरियन पॉलिसी अपनाई श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। अब हम पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, किस तरह से रिएक्ट किया माइनॉरिटी ने, माइनॉरिटी ने चुपचाप सुना थोड़ी होगा, उन्होंने क्या किया वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने अपनाई, सिन्हाला को फेवर करने वाली और माइनॉरिटीज को पूरी तरह से इग्नोर करने वाली, तो उस पॉलिसी का रिएक्शन क्या हुआ, माइनॉरिटीज जो हैं उनके साथ हो रहे अत्याचार, उनका जो इग्नोरेंस किया जा रहा था, उनके साथ जो एक्सप्लोटेशन किया जा रहा था, उसका माइनॉरिटीज ने जवाब कैसे दिया, माइनॉरिटीज ने फेल्ट कैसा किया, उनकी क्या थिंकिंग थी, क्या सोच होगी, चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो माइनॉरिटीज फेल्ट एलिनेशन, माइनॉरिटीज को लगा कि वो बाहरी लोग है, एलियनेशन का मतलब होता है बाहरी होना, एलियन वर्ड से बना हुआ, तो बाहरी होना, उन्हें लगता था कि वो इस देश के हैं, उन्हें लगता था कि हमको तो पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा है, हम जैसे सौतेले लोग हैं, इस तरह की बात उनके मन में आने लगी, माइनॉरिटीज के मन में, क्योंकि उनके साथ पूरी तरह से एक्सप्लोटेशन और इग्नोरेंस वाला व्यवहार हो रहा था। ठीक, दूसरा, दे थॉट ऑल लीडर्स वर इनसेंसिटिव टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, उन्हें लगा कि सारे जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, सिन्हाला लीडर्स हैं, बाकी दूसरे लीडर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसका फेवर करते हैं, सिन्हाला का, उनके लिए बहुत सेंसिटिव है, उनको थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होती है तुरंत उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन जब बात इनकी आती है, इन तमिल लोगों की आती है, दूसरी माइनॉरिटीज का आता है ना, तो उनके प्रति तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता, यानी कोई हेल्प ही नहीं करता, यानी इनके रिलीजन, इनके लैंग्वेज और इनके कल्चर को लेकर गवर्नमेंट पूरी तरह से क्या है, इनसेंसिटिव है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना ही नहीं है इनकी प्रॉब्लम्स से, इनके लैंग्वेज से, इनके कल्चर से। ये बात किसके मन में आ गई, माइनॉरिटीज के मन में आ गई, क्यों, क्योंकि इनके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था, कौन कर रहा था, गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट कर रही थी। और तो जो इन सभी के कारण सिन्हाला और तमिल के बीच, सिन्हाला और तमिल लोगों के बीच, इस दोनों कम्युनिटी के बीच जो रिलेशंस है बहुत ही स्ट्रेंड, तनावपूर्ण हो गए, यानी दोनों बहुत ज़्यादा नाराजगी हो गई। नाराजगी क्यों नहीं होगी, आप सिंपल सा दे लीजिए, अगर आप छोटा सा एग्जांपल हम दें, हमारे कंट्री में क्या होता है, SC ST कम्युनिटी और जो जनरल कम्युनिटी होती है, इन दोनों के बीच में सबसे पहले किसी भी एग्जाम के लिए रिजर्वेशन के वजह से SC ST को प्रेफरेंस मिलता है, जनरल को नहीं मिलता, है ना, एक एग्जाम को पास करने के जनरल को बहुत ज्यादा मार्क्स की जरूरत पड़ती है, जबकि SC ST बहुत कम मार्क्स में भी पास हो जाते हैं, जॉब हासिल कर लेते हैं। जब ऐसा होगा, एक ज्यादा टैलेंटेड जनरल कास्ट का स्टूडेंट फेल हो जाएगा एक SC ST के थोड़े कम टैलेंटेड स्टूडेंट से, तो फिर जाहिर सी बात है उस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के मन में एक गिल्ट तो जरूर आएगी, उसके मन में थोड़ा सा गुस्सा तो जरूर उठेगा कि वो सिर्फ कास्ट की वजह से उन्हें अच्छी जॉब मिल जा रही है, वो मेरे से कम पढ़ते हैं या कम टैलेंटेड, लेकिन फिर भी उनको जॉब मिल गई, लेकिन मैं ज़्यादा पढ़ता था और मैं जनरल कास्ट का हूँ तो नहीं मिली। तो इस तरह की गिल्ट वाली फीलिंग जो है कम्युनिटीज के मन में आ ही जाती है अगर क्या की जाएगी, इनइक्वालिटी की जाएगी, अगर भेदभाव होगा तो इस तरह की बात फीलिंग मन में आ ही जाती है। और ये सेम फीलिंग किसके मन में आ गई थी, सिन्हाला और तमिल के बीच में, ठीक है, जो तमिल लोग हैं उनके मन में आ गई थी कि हर बार सिन्हाला को फेवर किया जाता है, है ना। तो जिस भी जगह पर, जिस भी कंट्री हो, सोसाइटी हो, फैमिली हो, कहीं पर भी अगर किसी एक को ही फेवर किया जाएगा और दूसरे को नहीं फेवर किया जाएगा, सिंपल एग्जांपल देते हैं, एक ही पेरेंट्स अगर दो बच्चे हैं, बड़े बेटे को ज्यादा फेवर किया जाएगा, छोटे को कुछ भी फेवर नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है छोटे के मन में थोड़ा सा गिल्ट वाली फीलिंग आएगा,
या छोटे को ज्यादा फेवर किया जाएगा बड़े को नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है बड़े वाले बेटे के भी मन में क्या होगा, एक गिल्ट वाली फीलिंग जरूर आएगी। तो सेम थिंग कहां पर हो रही थी, श्रीलंका में भी हो रही थी। सिन्हाला को फेवर करने की वजह से तमिल के अंदर, दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के अंदर एक गिल्ट वाली फीलिंग अराइज हो रही थी। तो अब हम देखेंगे कि गिल्ट वाली फीलिंग अराइज होने के बाद कैसे इन लोगों ने अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट के सामने रखा, कैसे इन लोगों ने अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। तो चलिए हम पढ़ते हैं स्ट्रगल ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट मेजोरिटेरियन पॉलिसी। जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन पॉलिसी अपना ली, उन्होंने सिन्हाला को फेवर करना शुरू कर दिया और तमिल और दूसरी कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज को पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो फिर माइनॉरिटीज ने क्या किया, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल किया। कैसे स्ट्रगल किया, चलिए हम उसकी बात करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, माइनॉरिटीज लोगों ने खुद की पार्टीज और खुद के स्ट्रगल की, है ना, खुद की पार्टीज लॉन्च किया और स्ट्रगल मूवमेंट चलाए खुद की पार्टीज, यानी दूसरी पार्टी तो सब किसको फेवर कर रही है, सिन्हाला को। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ खुद के लोगों का, माइनॉरिटीज लोगों का अपना एक पार्टी बनाया और अपने मूवमेंट्स चलाए, बिल्कुल फ्रीडम के जैसे मूवमेंट चलाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से, ठीक। और इनका जो भी राइट्स या जो भी स्ट्रगल या जो भी फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है जिस भी तरीके का, वो क्या डिमांड कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा नहीं मिले, माइनॉरिटी हैं तो वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि उन्हें मेजोरिटी के इक्वल मिले, है ना, दूसरों के बराबरी मिले। ये ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, वो सिर्फ बराबरी चाहते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, समान मौका समान अवसर चाहते हैं जॉब हासिल करने में और एजुकेशन हासिल करने में। वो नहीं चाहते कि हमें ज्यादा फेवर करो, वो चाहते हैं हमें उतना ही फेवर करो जितना दूसरों को फेवर करते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं। कौन लोग, माइनॉरिटीज, ठीक। 1980s में क्या किया इन्होंने, LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जिसको लिट्टे भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, एक पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। ये पार्टी का डिमांड था कि अगर आप हमें अपनी कंट्री का समझते ही नहीं है, हमारे लिए कोई राइट्स ही नहीं दे रहे हैं, तो हमें एक अलग कंट्री बनाने दीजिए, श्रीलंका को डिवाइड कर दीजिए और हमें अपनी खुद की अलग कंट्री बनाने दीजिए जिसका नाम क्या रहेगा, तमिल एलम रखेंगे, ये इसलिए इसको लिट्टे बोला गया, ठीक। तो तमिल एलम न्यू नेशन के लिए डिमांड की इन्होंने किसने, इस लिट्टे ने, कब, 1980s में, ठीक। उसके बाद इनका जो डिमांड्स थे, इन डिमांड्स को हमेशा डिनाई किया गया, कभी भी सिन्हाला लीडर्स ने मेजोरिटी गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स को कभी नहीं माना, ना इन्हें राइट्स दिए, ना इक्वल अपॉर्चुनिटी दी, ना एजुकेशन में प्रॉपर मौका मिला, कभी नहीं, ना ही इनके लिए अलग से सेपरेट नेशन बनाने दिया गया। तो फाइनली आगे चलकर रिलेशंस और इतने खराब हो गए, रियॉट जगह जगह होने लगे, कम्युनिटी की, दोनों कम्युनिटी के बीच इतने ज्यादा वायलेंस होने लग गया कि फाइनली पूरे कंट्री में क्या छिड़ गया, सिविल वॉर छिड़ गया। अब ये सिविल वॉर क्या होता है, सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, यानी देश के आप जो लोग हैं आपस में जब लड़ने लगते हैं, वॉर करने लगते हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सिविल वॉर। ये कहाँ होने लगा, श्रीलंका में। क्यों, क्योंकि जो भी माइनॉरिटीज है उन्हें उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, पार्टीज और स्ट्रगल लॉन्च किए अपने राइट्स डिमांड करने के लिए। उन्होंने क्या डिमांड किया, इक्वल अपॉर्चुनिटी, उन्हें भी समान मौका मिले जैसे सिन्हाला को मिल रहा है, उन्हें भी चांस मिले, क्या लेने का, एजुकेशन लेने का और जॉब हासिल करने का, ठीक। इसके लिए ही उन्होंने 1980s में ग्रुप बनाया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये इसलिए बनाया उन्होंने ताकि ये डिमांड कर रहे थे क्या, कि उन्हें एक अलग नेशन मिल जाए, जब उनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा इस नेशन में, तो उन्हें एक अलग नेशन दे दो, अपने तरीके से रूल करेंगे, है ना। तो उन्होंने डिमांड किया कौन से नेशन का, सेपरेट नेशन का, जिसका नाम है तमिल एलम, ठीक। और उनकी इस डिमांड को बार बार मना किया जाता रहा, और इस मना करने से, उनकी डिमांड नहीं देने से क्या किया, माइनॉरिटीज और मेजोरिटी के बीच झगड़ा हुआ और फाइनली ये रिलेशंस इतने खराब हो गए कि पूरे कंट्री में क्या छिड़ गया, सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध छिड़ गया। तो इतना था, हमने पढ़ा कि कौन से मोमेंट चलाए किसने, माइनॉरिटीज ने, जो स्ट्रगल किया है किसके खिलाफ, मेजोरिटेरिज्म पॉलिसी के खिलाफ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा श्रीलंका का बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में। हमें पता चला कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो इंडियन नेशन ओशियन में बिलोंग करता है, वो हमारे कंट्री के तमिलनाडु स्टेट के साउथ कोस्ट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। श्रीलंका को इंडिपेंडेंट मिली है 1948 में। इतनी सारी बातें हमने श्रीलंका के बारे में जानी है। उसके बाद हमने श्रीलंका के बैकग्राउंड हिस्ट्री को भी जाना कि वहाँ क्या कंडीशन चल रही है। उसमें हमने देखा कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने मेजोरिटेरियन पॉलिसी लगाई, इस पॉलिसी के तहत किसको फेवर किया जाता था, सिन्हाला को, ठीक है ना, और किसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, माइनॉरिटीज में जो है तमिल्स है क्रिश्चियंस है। हमने देखा कि जो इथनिक और लिंग्विस्टिक कंपोजिशन है श्रीलंका की बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कैसी, हमने देखा श्रीलंका में सिन्हाला लोग कितने हैं, 74% है, और तमिल लोग कितने हैं, 18% है, क्रिश्चियन लोग कितने हैं, 7% है। जो सिन्हाला लोग हैं उनका धर्म क्या है, बुद्धिज। जो तमिल लोग हैं उनका धर्म क्या है, हिंदू या फिर मुस्लिम। तमिल लोग दो भागों में बटे हुए हैं, एक तो इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल को एक और नाम से जाना जाता है, नेटिव तमिल,
और जो इंडियन तमिल है वो इंडिया से माइग्रेट होकर गए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के वक्त प्लांटेशन वर्कर्स के रूप में, जो वहीं पर बस गए हैं ठीक। और इनका रीजन क्या है, या तो हिंदू या तो मुस्लिम। और जो क्रिश्चियन लोग हैं 7% वो क्या करते हैं, या तो सिन्हा लैंग्वेज बोलते हैं और या फिर तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। तो इस तरह से इथनिक और लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन है किसका, श्रीलंका का। फिर हमने पढ़ा कि मेरिटेरियन पॉलिसी अपनाई गई जिससे सिर्फ फेवर होता था सिन्हाला को और डिसरिगार्ड किया जाता था किसको, माइनॉरिटी जो कि है तमिल को। हमने देखा मेजोरिटेरियनिज्म क्या होता है, इस पॉलिसी को भी देखा, यानी वो पॉलिसी जो सिर्फ और सिर्फ क्या बिलीव करती है, मेजोरिटी जैसे चाहे कंट्री पे रूल कर सकता है बिना माइनॉरिटी की परवाह के, माइनॉरिटी के विशेष को, राइट्स को इग्नोर करके ठीक। फिर हमने पढ़ा कि कैसे माइनॉरिटीज ने स्ट्रगल किया, माइनॉरिटीज ने अपना ग्रुप बनाया, माइनॉरिटीज ने अपने डिमांड किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई ठीक, उन्होंने ग्रुप बनाया लिट्टे जैसा और उन्होंने अपने अलग कंट्री मांग डिमांड की, कौन सी, तमिल एलम की। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल कि लिट्टे जो है LTTE उसका फुल फॉर्म क्या है। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए विद्या स्थली वाले सर।